12 जून को विपक्षी दल एकता की बैठक होनी है। इस मामले को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह बैठक विपक्षी एकता दल की बैठक नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों के जमात की बैठक होगी, जिसमें काले धन को और भ्रष्ट तरीके से कमाए गए पैसे को कैसे गबन किया जाए, इस संबंध में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह सोचना चाहिए था कि बिहार में निवेशकों की कैसे स्वागत की जाए, बिहार में उद्योग धंधे कैसे लगे जिसके कारण युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन वो भ्रष्टाचारियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। देश के प्रधानमंत्री, देखिए ये विपक्षी दल की एकता नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की एकता है और तमाम भ्रष्टाचारी देश की एकता अखंडता के प्रति गंभीर नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से आज भाजपा के राष्ट्रवाद पर चोट कर रहे हैं। आज भारत के तमाम उन मां भारती के संतानों का, जिसका मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री कठिन मेहनत, संघर्ष, त्याग, बलिदान के बदौलत राष्ट्र को विश्व के धरातल पर गौरवान्वित कर रहे हैं, उससे घबराए हुए, इनकी दुकान बंद होने के डर से, इनके भ्रष्टाचार से अकुश संपत्ति कमाए हुए लोग अपनी संपत्ति और जेल जाने से बचने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतंत्र की धरती बिहार को अपवित्र कर रहे हैं। बिहार की जनता को इससे क्या मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के विकास के लिए, बिहार में नए टेक्नोलॉजी के लिए, बिहार में निवेशकों को लाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए करते सम्मेलन तो हम भी स्वागत करते, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों की जमात को और देश के अंदर चुन चुन कर जो अकूत संपत्ति कमाया है, जो वंशवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद की राजनीति स्थापित की है, ये लोकतंत्र की धरती को आप लज्जित और कलंकित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आपको एलर्जी हो सकता है, लेकिन बिहार की जो लोकतंत्र की धरती है, सांस्कृतिक विरासत जो गौरव प्रदान करता है, उसको क्यों लज्जित कर रहे हैं? यहाँ की जनता आपको माफ नहीं करेगी। उस बैठक में बिहार के लिए जो भय का वातावरण बना है, निवेशक भाग रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर संभालने की बात करते, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चालू हो गया, इस पर चर्चा करिएगा। है हिम्मत? जो बिहार नहीं संभाल सका वो देश संभालने की बात करता है। ये उन नेताओं के लिए जो दूसरे देश से इस बैठक में आने वाले हैं उनसे भी